यहाँ से एक्चुअल में झांकी देखने को मिल रहा हो। ये लक्ष्मण झूला बना हुआ, ये बना हुआ है केदारनाथ, जिसकी यात्रा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। शंकर भगवान जी के बारात में अधिकतर राक्षस लोग ही गए हुए थे, तो ये बारात में शामिल हुए हैं देवी देवता, और नव करते हुए दिखाया गया यहाँ पे शंकर भगवान जी का। गाइस वेलकम बैक, मयूर चैनल ब्लॉग रोड पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर 4 ए मार्केट, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में अभी बारिश की वजह से प्रॉपर यहाँ पे झूले और मार्केट लग नहीं पाए हैं, लेकिन जो लाइटिंग है ये गजब की लाइटिंग है यहाँ पे, देखो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे लाइटिंग है। देन यहाँ पर झांकी है, ये देखो आप लोगों को याद आ रहा होगा बुढ़ियारी में चार धाम बना हुआ था ना, तो यहाँ कुछ हटकर यहाँ पे चार धाम बना हुआ है। गाइस तो ये देखिए यहाँ पे चार धाम झांकी बना हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये गुड़ियारी में भी देखने को मिला था। यहाँ पे शंकर भगवान जी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये नहीं थे थीम है, ये थोड़ा सा अलग है। और ये सेक्टर 4 ए मार्केट का यहाँ पे झांकी ये पहली दफा बना हुआ है जो आप लोगों को मैं दिखलाने वाला हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं और झांकी देखते हैं। तो यहाँ पे टिकट सिस्टम है जो आप लोगों को 20 रुपए देने पड़ेंगे झांकी देखने के लिए, तो चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को यहाँ का झांकी दिखलाते हैं। ये देखो बहुत खूबसूरत से यहाँ बना हुआ है यहाँ पे, और शंकर भगवान भी है, आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। ये देखो बहुत प्यारे दिख रहे शंकर भगवान जी, और ये पूरा दर्शाया हुआ है पर्वत। तो चलो गाइस इस तरह से सीढ़ी दी गई है जाने के लिए। गाइस तो अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखो बहुत प्यारा सा शिवलिंग है यहाँ पे, और इधर भी देखो यहाँ भी शिवलिंग है। हालांकि नाम देना था, हाँ कहाँ का शिवलिंग दर्शाए हुए हैं, ये नाम देने थे, बट यहाँ पे नाम नहीं है। देन यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, ये देख सकते हो, यहाँ पे इस साइड भी शिवलिंग है, इस साइड भी शिवलिंग है, और लाइटिंग यहाँ पे ब्लू रखे हुए हैं, तो प्रॉपर समझ में भी नहीं आ रहा है। देन यहाँ पर देखो ये नाम लिखे हुए हैं, नाम पढ़ लीजिएगा, यहाँ का शिवलिंग दर्शाए हुए हैं। देन यहाँ भी देखो काफी प्यारा सा शिवलिंग बना हुआ है, लेकिन ब्लू लाइट होने की वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा है। और गाइस यहाँ भी शिवलिंग है, ये देखो शिवलिंग ही शिवलिंग है भाई, यहाँ भी नाम लिखे हुए हैं काशी विश्वनाथ शिवलिंग करके लिखा हुआ, यहाँ भी शिवलिंग है। देन यहाँ भी वैद्यनाथ शिवलिंग करके लिखा हुआ है भाई, काफी खूबसूरत सा बना हुआ है जबरदस्त। ये देखो यहाँ भी नाम लिखे हुए हैं, दिख नहीं रहे लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइटिंग ऐसा रखा हुआ है कि क्या ही बताऊं मैं। यहाँ भी शिवलिंग है और यहाँ भी शिवलिंग है भाई, क्या ही कहने हैं आप लोगों को, इसलिए बोलते जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड पे साउंड चल रहा है ना, इस वजह से। ये देखो यहाँ से आना हो रहा है हमारा। देन यहाँ पे इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, ये देखो यहाँ से एक्चुअल में झांकी देखने को मिल रहा है, ये लक्ष्मण झूला बना हुआ है यहाँ पे, लक्ष्मण झूला बना हुआ है। तो चलो आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ का झांकी। गाइस देख सकते हैं यहीं पे सब खड़े होके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि झांकी इतना खूबसूरत सा बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे छोटू भाई सब्सक्राइबर है, और देखो लोग आते जा रहे हैं देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे राक्षस बने हुए हैं जो एक तरफ खींच रहे हैं, और यहाँ पर है शंकर भगवान जी जो विष पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, और यहाँ पर है हमारे होता जो एक साइड खींच रहे, मतलब कि काफी खूबसूरत बना हुआ है। ये चार धाम आप लोगों को दिखलाया था मैं गुड़ियारी जब गया हुआ था। तो आपका नाम बताओ भाई, आपका नाम? हाँ हमारे छोटे से सब्सक्राइबर है। गाइस तो आप लोगों को मैंने दिखलाया है, और ये भाई बाकी में पूरा लक्ष्मण झूला है, बहुत ज्यादा हिलता है। ये देखो शंकर भगवान जी, बहुत प्यारे ये दृश्य है जो आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। अभी और भी झांकी देखने को है। गाइस तो अभी और भी बहुत सारे झांकियां हैं जो आप लोगों को एक एक करके दिखलाने हैं, तो चलो चलते हैं। यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं है, बरगद का पेड़ है इस साइड में। देन ये देखो क्या बात है भाई, जबरदस्त बहुत प्यारा दिख रहा है। ये ऋषि मुनि लोग हैं जो शंकर भगवान जी पूजा अर्चना कर रहे हैं, और बहुत प्यारे दिख रहे हैं। ये झांकी एक्चुअल गुड़ियारी का ही है, कुछ कुछ यूनिक है, बाकी सब वैसे ही लग रहा है मुझे। तो चलो आप लोगों को और आगे बढ़कर दिखलाते हैं यहाँ की झांकी। लाइट ना ऐसा रखे हुए थे क्या ही बताऊं। ये देखो भाई यहाँ पे मगरमच्छ है, और पानी बहते हुए पहाड़ों से रिश्ते हुए ऐसा पूरा दर्शाया हुआ है यहाँ पे, काफी शानदार है। यहाँ पे नंदी बैल है, काफी प्यारे दिख रहे नंदी बैल, बहुत बड़े बने हुए हैं। देन ये बना हुआ है गाइस, तो ये बना हुआ है केदारनाथ, जिसकी यात्रा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और यहाँ पर देखो इस तरह से पूरा अच्छा खासा दर्शाया हुए है, और अंदर में है शिव
यहाँ पे झांकी बना हुआ है जो आप लोगों को अभी दिखलाने वाला हूँ। पहले देखो ये पंडाल, केदारनाथ बना हुआ ये पंडाल, और अंदर में है शिवलिंग, काफी बड़ा सा शिवलिंग है। तो घर बैठे दर्शन करिए, बहुत प्यारा दिख रहा, बहुत ही ज्यादा प्यारा, सजावट भी एक तरफा यहाँ का। देन यहाँ पे डस्टबिन, जो भी खाना पीना कर देना तो डस्टबिन में डाल सकते हैं। देन ये देखो राक्षस बने हुए हैं, क्योंकि शंकर भगवान जी के बारात में अधिकतर राक्षस लोग ही गए हुए थे, तो यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। और यहाँ पे विष्णु भगवान जी, और ये देखो इनको भी जानते ही आप, बहुत खूबसूरत सा झांकी बना हुआ है यहाँ पे यार। गुड़ियारी से भी अच्छा दिख रहा है यहाँ का झांकी, देखते जाइए आप लोग। तो आप लोगों को मैंने ये दिखला दिया शंकर भगवान जी के बारात में भूत प्रेत सब शामिल है करके। और यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, ये देखो यहाँ पे हड्डी राजा डांस करते हुए यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा दर्शाए हुए हैं। भूत प्रेत शंकर भगवान जी के बारात में सब शामिल हुए हैं। ये देखो इस कंधे पे लिए हुए हैं शंकर भगवान जी को, और यहाँ पे उनके सैनिक भी है नंदी बैल। बहुत खूबसूरत सा दृश्य है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और यहाँ पर देखो साथ फेरे लिया जा रहा है शंकर भगवान पार्वती माता जी का, ये देखो साथ फेरे, क्या बात है। और पीछे साइड में है देवी देवता जो शामिल हुए हैं बारात में, तो ये बारात में शामिल हुए हैं देवी देवता और प्रभु माता के साथ साथ फेरे लेते हुए। काफ़ी खूबसूरत सा दर्शाए हुए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। यहाँ का झांकी कुछ हट कर और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे का झांकी देखते हैं अपन। है छोटू बनाने दे भाई। यहाँ पे देखो शंकर भगवान जी, ये देखो, अरे वाह क्या गजब का दिख रहे यार शंकर भगवान जी। तांडव करते हुए दिखाया गया यहाँ पे शंकर भगवान जी का। इस मैंने ये वाला दिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में है माता रानी ये यहाँ पे, और जूते चप्पल अपने को यहीं रखने पड़ेंगे। और ये देखो भाई काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सजा हुआ है पंडाल, बहुत ही ज़्यादा यूनिक पंडाल बना हुआ है। ये देखो सिंपल सा सजावट है लेकिन बहुत प्यारा दिख रहा है। और वहाँ यहाँ पर है माता रानी, घर बैठे दर्शन करिए माता रानी का, जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी। तो इस माता रानी का हमने दर्शन कर लिए हैं, और ये हमारे छोटू, बाय छोटू, तो और मुलाकात करेंगे। और यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं, बहुत प्यारा झांकी बना हुआ। तो आपको ये झांकी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया ब्लॉग।